हेलो फुटबॉल, अच्छा लगता है फुटबॉल खेलना। वेरी प्रिटी गर्ल, क्या नाम है आपका? गुलनाज। बहुत प्यारा नाम है। अब वो चॉकलेट लोगी? चलो चलो अंदर अंदर सीधा। मुझे कोई हक नहीं बनता अच्छा दिखने का। एक छोटी सी बच्ची से मैंने उसकी जवानी छीन ली और नहीं, ये गलत है। ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं? कोई हक नहीं बनता है मुझे। You should be ashamed of yourself. शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे शर्म आ रही है। I didn't have a choice. अगर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी मजबूरी थी। I'm sorry. I'm sorry. I didn't have a choice. अगर वो बुढ़िया नहीं होती तो मैं कैसे जवान बनती? It's all right. I think I've done it right. I am right. Cheers. Twelve twos are 24. 12 threes are 36. 12 fours are 48. 12 fives are... Beta, five aise nahin likhte hain. What's wrong with you? Like this. Okay? That is five. Okay, kiddos. मैम को एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए अभी का ट्यूशन बस खत्म। होमवर्क कर लेना और मैं फोन करके बताती हूँ कब आना। बाय, गुड डे, सी यू। खेलना कूदना बंद करो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। तुम जानती हो इस बार तुम्हें कितने कम मार्क्स मिले पढ़ाई में? यू हैव फेल्ड इन योर टेस्ट। क्या हुआ प्रिया, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम्हें पता नहीं मुझे एग्जाम में कितने कम मार्क्स मिले हैं। पता है, अगली बार अच्छे से पढ़ना तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बात पढ़ने की नहीं है, बात मेरे पापा की है।
आज मुझे बहुत ही डांट पड़ेगी। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन क्यों नहीं करती? जिस क्लासेस में मैं जाती हूँ वो मिस बहुत अच्छा पढ़ाती है। कौन होगा? मैंने तो दो दिन तक छुट्टी दी है बच्चों को, लगता है इनमें से कोई आ गया होगा। क्या करूं? धीरज रखो। प्रिया बिहेव योरसेल्फ। मुझे सुहासिनी जी से मिलना। मैं ही सुहासिनी हूँ। वो एक्चुअली वो मैं आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा अपना ही ख्याल रख लूँ। दिन भर बच्चे होते हैं तो अपने लिए वक्त ही कहाँ निकल पाता है। या आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। एकदम हेक्टिक शेड्यूल होता होगा ना। देखिए अगर हमें पता होता कि आज छुट्टी है तो हम यहाँ पे आते ही नहीं। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। I'm really very sorry. नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप अंदर आइए ना प्लीज। आओ आओ बेटा, हैव अ सीट, बैठ जाओ। हाय, I'm काजल, काजल श्रीवास्तव। ये मेरी बेटी है प्रिया सुहासिनी। Such a pretty girl. आप क्या कह रही थी वो? जी मैं यहाँ प्रिया के लिए ही आई। मैंने मेरी एक सहेली से आपके बारे में काफी सुना और मैं चाहती हूँ कि प्रिया आपके ही ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करे। Sure, why not? Sure. थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग मैं और मेरे हस्बैंड प्रिया की स्टडी के बारे में काफ़ी टेंस हैं। उस बात को लेकर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। प्रिया इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू टीचर। यू आर वेलकम स्वीटहार्ट। चलो ओके बाय। कांग्रेचुलेशंस सुहासिनी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब शिकार खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया है। जवान होने का एहसास ही कुछ अलग होता है। सच अ प्रिटी गर्ल, सच अ प्रिटी प्रिटी गर्ल। तुम्हें अब जवान होने से कोई नहीं रोक सकता। टीचर, टीचर, आप
तुम्हारी टीचर की मम्मी हूँ। टीचर कहाँ है? टीचर मार्केट गई है, अभी आ रही होगी। बैठो बैठो, आ रही होगी, बैठ जाओ। प्रिया बेटा, तुम्हारी स्टडीज कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है पापा। देखो बेटा, इस बार तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे नंबर से पास हो। और इसीलिए हमने तुम्हारे लिए ट्यूशंस भी रखे हैं। आई होप तुम हमें और अपनी स्टडीज को सीरियसली लो। मुझे ट्यूशन से याद आया, मुझे ट्यूशन में 2 दिन की छुट्टी है। फिर भी सुहासनी टीचर ने मुझे क्लास में बुलाया। बेटा, हो सकता है कि सुहासनी टीचर तुम्हें एक्स्ट्रा अटेंशन देना चाहती हो। और पता है, वही घर पे नहीं थी, उनकी मम्मी थी। जाओ, 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 बेटा।
Thank you.
कोई हक नहीं है तुम्हें अच्छे दिखने का, शर्म आनी चाहिए। Yeah, you should be ashamed of yourself. Should be ashamed of yourself. It's very strange. आप दोनों जरा बाहर आइए। देखिए मिस्टर श्रीवास्तव, मैंने अपने 10 साल की प्रैक्टिस में ऐसा ना कभी देखा है ना कभी सुना है। देखिए, मुझे नहीं लगता मैं या मेरे से कोई बड़ा डॉक्टर ये केस सॉल्व कर पाएगा। Because condition of your daughter is so unnatural. I mean to say, इतनी छोटी उम्र में old हो जाना, it's quite impossible. मुझे नहीं लगता मैं अपनी बेटी को treat कर पाऊँ। Doctor, please आप ऐसा मत कहिए। आप एक बार और check करके दीजिए। कोई तो इलाज होगा ना? Please. No, really, I'm sorry. नहीं जानती मैं, नहीं जानती कि तुम्हारी इस शक्ति के पीछे क्या राज है, क्या कहानी छिपी हुई है। मैंने तो तुम्हें नीलामी में खरीदा था। शायद तुम्हारे पिछले मालिक को भी तुम्हारी इस शक्ति का कोई अंदाजा नहीं था। कोई तुम्हें क्यों बेचना चाहे, वो भी इतने कम दामों में। सच कहूं, अभिशाप हो तुम, अभिशाप। But for me, sweetheart, you're priceless. खुश नसीब हूं मैं कि तुम मुझे मिले। अब तुम हमेशा मेरे ही रहोगे, क्योंकि मैं हमेशा सुंदर और जवान देखना चाहती। लेकिन हर बार एक नया शिकार ढूंढना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, उस दिन वो छोटी लड़की, फिर प्रिया, कल कोई और होगा। काजल, तुम ऐसी ही रोती रहोगी, बताओ कि भी क्या हुआ? क्या बताऊं, प्रिया की ऐसी हालत कैसे हो गई हमें पता ही नहीं। ऋग्वेद जी, ये है मेरे पड़ोसी मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव। इनकी एक 10 साल की बच्ची है प्रिया, उसकी हालत कल से बहुत खराब है और मैं इनको आपके पास इसलिए लेकर आई हूँ कि मुझे लगता है इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। और मैंने क्या हुआ आपकी बच्ची जी? हमारी बेटी प्रिया अचानक बूढ़ी हो गई है। आई मीन शी इज ग्रोन ओल्ड। अचानक वो कोई 80-90 साल की बुढ़िया लगने लगी है।
मुझे प्रिया से मिलना होगा जी। और आपके घर को भी देखना होगा, हो सकता है वहां से मुझे कुछ सुराग मिल जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, राज है ये तुम्हारे और मेरे बीच में, राइट सिरा? आपके बच्चे का कमरा कौन सा है? मैंने आपके घर का एक एक कोना देख लिया है, लेकिन मुझे कहीं ऐसी बात नजर नहीं आ रही है जो आपकी बच्ची के साथ जुड़ी हो। लेकिन प्रिया को देख मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि उसके इस हालत के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। बेटा, तुम कोई ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो बिल्कुल अलग सा लगता हो, बिल्कुल बड़ा विचित्र सा दिखाई पड़ता हो? नहीं। याद करके बताओ। नहीं। इस अवस्था से पहले या बाद में तुम्हें किस तरह लगता था या किस तरह लगता है? मुझे, हाँ बोलो बोलो बेटा। मुझे बहुत ही अकेला मन महसूस होता है। मुझे आसपास के लोग बूढ़े नजर आते हैं, वो मुझे छूते हैं और हंसते भी हैं। मुझे पता चल गया है कि आपकी बेटी की ये अवस्था ऐसे कैसे हो गई है। आज से हजारों साल पहले एक आदमी जिसका नाम धूमकेतु था, उसने अपनी शक्ति और तांत्रिक विद्या से एक ऐसा आईना बनाया था जो कि दूसरों की जवानी छीनकर अपने मालिक यानी कि धूमकेतु में डाल देता था ताकि वो कभी बूढ़ा ना हो। धूमकेतु को इस आईने को बनाने में बहुत समय लगा था, और जब ये आईना बन गया तो उसने अपने ही एक बच्चे की जवानी दांव पर चढ़ा दी। और वो कामयाब हो गया और वो अपने इस कामयाबी पर बहुत खुश था। फिर धीरे धीरे जब वो बूढ़ा होता तो जवान बने रहने के लिए अपने एक एक बेटे की जवानी दांव पर चढ़ा दी। और जब उसकी पत्नी को उसके हकीकत का पता चला तो उसने धूमकेतु को और उस आईने को शाप दे दिया और कहा, जिस किसी के पास यह आईना होगा वो हमेशा अकेला ही रहेगा और वो कभी खुश नहीं रहेगा।
ये पता लगाना होगा कि इतना पुराना आईना अभी किसके पास है। हेलो, हाँ बोलो। क्या मैं कभी तक घर नहीं लौटी, कहाँ गई वो? हाँ हाँ मैं बस आ रही हूँ बस। क्या हुआ मेघना? मैं कभी तक घर नहीं पहुंची। क्या इन टुकड़ों को यहीं दफना देना चाहिए। जी दिशा दिशा बेटा यहीं क्यों ऐसे ऐसे जाओ ज्यादा आगे मत। दिशा दिशा बेटे चलो चलो होमवर्क कर ले घर पे।